ऐसा क्या लगा है हम कि जो जो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं उससे हमारा फेस ठंडा ठंडा कूल कूल रहे और फटाफट इंस्टेंट ग्लो भी आ जाए, स्किन भी टाइट हो जाए और डार्क सर्कल और जो एक्ने के निशान ख़त्म हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बढ़िया पैक जो ठंडा आपके फेस को, आपके माइंड को भी करेगा साथ साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस समर के मैं बहुत सारे पैक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कल भी मैंने मुल्तानी मिट्टी का आपके साथ पैक शेयर किया था क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इतनी जल्दी गर्मी आ चुकी है कि ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ फेस पैक लगाने का मन करता है कि कुछ काम करने से पहले या ऑफिस जाने से पहले हम एक अच्छा सा पैक लगाएं फेस के ऊपर, जो फटाफट चारों जो फेस को हमारे पूरे दिन हमारे फेस को कूल कूल ठंडा ठंडा लगे। तो आज मैं उन्हीं में से एक पैक को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुल्तानी मिट्टी से ही बना है, लेकिन इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो और भी ज़्यादा फेस के ऊपर कूलिंग लाएंगे और पूरा दिन आपके फेस के ऊपर स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी और जो हमारे जो एक्ने हो रहे हैं पिंपल्स, क्योंकि इस गर्मी आते ही हमारे फेस के ऊपर एक्ने पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, गर्मी लगती है, इचिंग होती है फेस पर, इन सब के लिए मैंने आज एक बहुत अच्छा पैक बनाया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मिलाए हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ। तो चलिए बनाते हैं और फेस पर लगाते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहा है और पिछले वीडियो कैसे लगे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम बनाते हैं फेस पैक। पैक को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फेस को ठंडक पहुंचाती है, ग्लो लाती है फेस पे, स्किन को गोरा करती है और ये है सेकंड है गुलाब जल। ये बहुत अच्छा टोनिंग का काम करता है और मॉइस्चराइज़र का काम करता है। थर्ड है हमारा एलोवेरा जेल, आप नेचुरल भी ले सकते हैं, तो मैंने ये पतंजलि के लिए है। और फोर्थ है हमारा खीरा। खीरा जो गर्मियों का वो माना जाता है कि ये फेस के ऊपर ठंडक, हमारे बॉडी के अंदर ठंडक, इसके अंदर जो पानी होता है वो हमारे फेस को ग्लो लाता है, दाग धब्बों को दूर करता है। तो चलिए पहले हम खीरे को कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेते हैं। खीरे के अंदर अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है। खीरे जो हमारा पोर्स होता है उसे श्रिंक करके टाइट करती है और खीरे के अंदर जो ये टोनिंग का काम करता है। तो खीरा हमारे फेस के ऊपर खीरा फेस के ऊपर सनस्क्रीन का काम करता है। खीरे के अंदर बहुत सारे इतने गुण पाए जाते हैं कि इसे हम गिनाने बैठे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। चलिए हम इसका एक जूस निकाल लेते हैं। ये देखिए हम हाथ से ही, क्योंकि खीरे के अंदर इतना पानी होता है कि दो मिनट में जूस निकल जाता है। तो हम इसे साइड पर रखेंगे और एक खाली बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के गुण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा से भी बताती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस पे ग्लो लाती है, स्किन को गोरा करती है, टैनिंग जो होती है उसे हटाती है। तो हम एक चम्मच लेंगे मुल्तानी मिट्टी और एक ही चम्मच लेंगे हम एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हर स्किन के लिए इतना अच्छा है, अगर ये फेस के लिए अच्छा है तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर खाली हम सुबह फेस वॉश में इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो भी इतना बढ़िया काम करेगा। और इसके बाद डालेंगे हम गुलाब जल। गुलाब जल बहुत ही बढ़िया टोनिंग का काम करता है। ये हमारे फेस के ऊपर दाग धब्बों, अगर हम रेगुलर लगाएंगे दाग धब्बों को ख़त्म करता है। और ये तो हम सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो बताइए कितना अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर दो चम्मच जो हमने खीरे का जूस निकाला है, वो सबको मिक्स करके एक अच्छा सा इसका एक पैक बनाएंगे। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा सा पैक बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को जो गर्मियों में हमारे फेस को ठंडक देगा, हमारी टैनिंग को दूर करेगा, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे प्रोटेक्शन का, फेस पे प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो चलिए हम इसे अब लगाते हैं। बन गया है फेस पैक, अब हम इसे फेस पे लगाएंगे।
पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे, आईज़ के पास भी, क्योंकि इसके अंदर सारी होम रेमेडीज़ हैं जो हमारे आईज़ और उस किसी को हार्म नहीं करेगी। तो हमें पूरे गले से लेकर नेक आईज़ के आसपास जो हमारे फेस के ऊपर जो दाग धब्बे आ जाते हैं, और अगर हमारा फेस ग्लो करेगा, फेस पे निखार आएगा तो पूरा आएगा, तो हम इसे पूरे अच्छे से लगा लेंगे। और जो ये खीरा बचा है उस खीरे को आँखों के नीचे लगा के हम छोड़ देंगे जब तक हमारा ये फेस पैक सूखेगा। साथ में ये हमारे डार्क सर्कल को कम करने के लिए जो खीरा है वो रोल अदा करेगा। खीरा मैंने आपको बताया है सनस्क्रीन का भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो चलिए इसे लगा के छोड़ देते हैं 10 मिनट बाद। अब ये सूख गया है और अब हम इसे सुखाने के बाद हम इसे वॉश नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा गुलाब जल लेके फेस के ऊपर लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा हल्के से मसाज करेंगे। जैसे उपटन लगाते हैं वैसे ही ये हमारे जो टाइनिंग है या हमारे फेस के ऊपर जो पोर्स में मैल जमा हो गया है वो सबको निकालेगा। इसे हल्के हल्के से हम मसाज करेंगे क्योंकि इसे उतारना थोड़ा मुश्किल होता है और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम पहले थोड़ा सा गुलाब जल लेके इसके फेस से इसे हटाएंगे। ये देखिए ये फेस से हटा लेंगे और इसके बाद हम इसको ये देखिए अब हम इसको माथे पे भी और नाक के पास भी जो हमारी डेड स्किन होती है वो सारी हट जाती है ये अगर हम इसे थोड़े से हल्के से मसाज करके निकालेंगे। चलिए अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। ये वॉश करने के बाद ये देखिए आप मॉइस्चराइजर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। ये देखिए आप स्किन लगाते ही पैक को ये ठंडा ठंडा जो हमने मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया है उसके बाद ये देखिए कि कितना ग्लो आ गया है और स्किन टाइट लगने लग जाती है और जो निशान है झुर्रियाँ हैं सब खत्म होने लग जाती है अगर हम इसे हफ्ते में दो बार लगाते हैं। तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगे पैक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।